मनीषा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद अब काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। हालांकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि दोनों भाइयों के आपसी विवाद के कारण ये पूरी तरह से टूटने वाली है। लोगों का यह भी कहना था कि लालटेन बुझने वाली है। विरोधी पक्ष काफी ज्यादा खबरें फैला रहे थे, लेकिन अब खबर आई है कि उनकी पार्टी अब मजबूत हो गई है। कल के दिन यानी कि मंगलवार को तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह जी ने मिलकर एक मिलन समारोह आयोजित किया था, जो कि पटना के ही कार्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें राजद के सभी कार्यकर्ता मौजूद हुए। सभी अध्यक्ष और सभी नेतागण वहां मौजूद थे और सभी ने मिलकर पूरी तरह से उस आयोजन और समारोह में सम्मिलित होकर और उस पार्टी को बनाए रखने का वादा किया। आइए जानते हैं पूरी बात को। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेता राजद में शामिल हुए। इनमें खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष मनोहर यादव, सीता कुमारी, चंदन कुमार सिंह, चंद्रशेखर कुमार, दीपक चंद्रवंशी, नुसी खातून, रिंकी देव, बक्सर डुमराव के चैतन्य सिंह, पूर्व मंत्री स्वर्गीय भोला राम तूफानी की पुत्री शशिकला देवी भी शामिल है। सीता कुमारी और मनोहर यादव पप्पू यादव का दामन छोड़कर आरजेडी में आ गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी लोग मिलकर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस अवसर पर राजद विधायक तेजस्वी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार के प्रतिनिधि मंडल की बातों को नहीं मानी तो हम सड़क से लेकर सदन तक जनसंघर्ष का कार्यक्रम चलाएंगे। लालू जी ने सबसे पहले जातिगत जनगणना के संबंध में सड़कों पर उतरकर लोगों को इस मुद्दे पर जोड़ने का काम किया। इसी का परिणाम रहा कि दो बार बिहार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित कर जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की मशीन बनी हुई है और सत्ता पर काबिज होने के लिए षड्यंत्र रचने में लगी रहती है। बिहार के चुनाव में भी इसकी झलक दिखी जब चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई। जुमलेबाजी करने वाली भाजपा और जदयू सरकार ने चुनाव के समय 19 लाख रोजगार की बात की थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार के द्वारा एक साल में 15 लाख लोगों से रोजगार छीन लिया गया। पूछने पर सरकार जवाब तक नहीं दे रही है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश अध्यक्ष संचालन राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री श्याम रजक ने किया। हालांकि एक और बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि वहां जो पोस्टर लगाए गए थे उससे तेज प्रताप यादव की तस्वीर गायब थी। अब लोगों का ये भी कहना है और लोग इस तरह के कयास भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जगदानंद सिंह जी को खुश करने के लिए ये काम किया गया हो, क्योंकि तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच अभी भी आपसी झगड़ा सुलझा नहीं है। दोनों में अभी भी काफी ज्यादा युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से आपस में मिलना नहीं चाहते हैं। हालांकि एक बार तेज प्रताप यादव ने उनसे मिलने की कोशिश की थी और इससे पहले वो उन्हें हिटलर बोल चुके थे, जिसके कारण आपस में दोनों का विवाद हो चुका था। उसके बाद उन्होंने मिलने की कोशिश की जगदानंद सिंह जी से, लेकिन जगदानंद सिंह जी गुस्से में तमतमाते हुए कार्यालय से बाहर चले गए थे, जिसके बाद से उन दोनों का आपसी मिलन फिर से नहीं हो सका। जिसके बाद अब कई तरह की खबरें सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि पहले तो तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब हुई पोस्टर से और अब तेज प्रताप की ही तस्वीर गायब हो गई है। हालांकि वहां जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने बिहार की सियासत को लेके बात की और जदयू के बारे में और बीजेपी के बारे में उनके विरोध में बातें कही। अब आगे देखना यह होगा कि जब सरकार बनेगी और जब चुनाव होगा तो इस बार आरजेडी में तेजस्वी उस चुनाव में लड़ने के लिए खड़े होते हैं या फिर तेज प्रताप यादव, क्योंकि इन दोनों का आपसी विवाद भी अभी कम नहीं हुआ है। हालांकि ये खबर आई है कि पार्टी मजबूत बन रही है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।